गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आओ आज की वर्कशीट करते हैं G4 यानी जनरल अवेयरनेस की। ये वर्कशीट है आपकी फोर्थ वर्कशीट, थर्सडे फोर्थ वर्कशीट आई है आपकी। तो देखो ये सेवन्थ और एट्थ दोनों के लिए है। आप अपनी क्लास एट्थ लिखेंगे, डेट लिखेंगे और फिर इस वर्कशीट को करेंगे। टॉपिक क्या है वर्कशीट का? कोविड-19। देखो हम सब कोविड-19 के बारे में जानते हैं और अभी भी आप जानते हैं कि कोविड-19 कंटिन्यू कर रहा है। यहाँ से हम कुछ इसके जो मेन वर्ड्स हैं जो हमें जानने चाहिए, उन वर्ड्स को हम देखेंगे कि क्या होते हैं आखिर, ये इसका मतलब आखिर क्या होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम देख रहे हैं क्या दिया हुआ है हमारे यहाँ पर, पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब क्या होता है? तो देखो पेंडेमिक को जाने से पहले आप एक और वर्ड जानो, क्या है? इपिडेमिक। यहाँ देखो लिख दे रही हूँ EPIDEMIC। ठीक है, एपिडेमिक का मतलब होता है ये भी है स्प्रेड ऑफ डिजीज़, और पेंडेमिक में भी डिजीज़ की ही स्प्रेडिंग होती है, यानी डिजीज़ फैल जाता है बहुत लार्ज पॉपुलेशन पे। अगर वह अगर मान लो वर्ल्ड वाइड फैल गया है, पूरी दुनिया में फैल गया है, बहुत सारे लोगों को, बहुत लार्ज पॉपुलेशन को अगर वो अफेक्ट कर रहा है, बहुतों को अगर परेशानी हो रही है, उस वो डिजीज़ हो जा रहा है, तब हम टर्म यूज़ करते हैं पेंडेमिक। लेकिन अगर किसी लिमिटेड एरिया में हो, जैसे मान लो इंडिया में ही कोई डिजीज़ है जो सिर्फ इंडिया में ही है, या किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई डिजीज़ स्प्रेड करता है, तब हम उसको कहते हैं एपिडेमिक। ठीक है, दोनों के बीच टर्म समझ में आए? दोनों टर्म्स जो हैं, एपिडेमिक मीन्स लिमिटेड एरिया में अगर किसी डिजीज़ का स्प्रेडिंग हो तो कहते हैं एपिडेमिक, और अगर वर्ल्ड वाइड अगर वही डिजीज़ स्प्रेड हो जाए तो हम जानते हैं कोविड-19 क्या है, वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हुआ है। तो इसीलिए हम कोविड-19 को कौन कैस क्या कह रहे हैं, ये एक ग्लोबल पेंडेमिक है। ठीक है, तो आओ देखो देखते हैं क्या दिया हुआ है कि पेंडेमिक। पेंडेमिक मीन्स क्या होता है? अकॉर्डिंग टू WHO, WHO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो अकॉर्डिंग टू WHO, द रैपिड वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ अ इन्फेक्शियस डिजीज दैट अफेक्ट लार्ज पॉपुलेशन इज कॉल्ड पेंडेमिक। तो यानी पेंडेमिक क्या हुआ? अगर किसी भी डिजीज़ का रैपिड वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हुआ, यानी बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया में अगर वो फैला और लार्ज पॉपुलेशन को अगर उसने अफेक्ट किया, तो उस तरह की जो सिचुएशन होती है उसको हम कहते हैं क्या? पेंडेमिक। ठीक है, फिर हम देखते हैं कोविड-19 इज़ अ पेंडेमिक, इट इज़ अ कोरोना डिजीज़, इट इज़ अ कोरोना वायरस डिजीज़। तो आप जानते हैं कि कोविड-19 किससे होता है? कोरोना वायरस से होने वाला डिजीज़ है। अब इसका नाम कोविड-19 क्यों पड़ा, कैसे पड़ा? तो देखो यहाँ क्या दिया हुआ है कि दिस डिजीज़ इज़ डिस्कवर्ड इन 2019, हेंस नेम्ड एज कोरोना वायरस डिजीज़ 2019। अब देखो यहाँ जो जो आप देख रहे हो, जो डार्केंड है, बोल्ड ज़्यादा, जो ज़्यादा डार्क किया हुआ है, COVID और 19, यहीं से लेटर्स लेकर बनाया गया है कोविड-19। ठीक है, अब है नाउ वी हैव वैक्सीन टू प्रिवेंट दिस डिजीज़ लाइक कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पूतनिक। आप जानते हैं कि इंडिया में ये थ्री टाइप्स के, वैसे तो बहुत सारे वैक्सीन्स बन गए हैं वर्ल्ड वाइड इस डिजीज़ को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, पर इंडिया में अभी तक ये थ्री वैक्सीन से, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पूतनिक। देखो कोविशील्ड जो है वो ब्रिटेन ने बनाया है और वो एस्ट्राजेनिका कंपनी ने बनाया है, और इंडिया में उसका नाम कोविशील्ड है। कोवैक्सीन इंडियन है, ठीक है, भारत बायोटेक ने बनाया है, और स्पूतनिक जो है वो बनाया है रशिया ने, यानी रूस ने बनाया है, जो कि इंडिया में आ गया है स्पूतनिक वी के नाम से। ठीक है, Sputnik 5 या Sputnik V कहते हैं। देखो और क्या दिया है, आस्क योर पेरेंट्स टू गेट वैक्सीनेटेड। आप अपने पेरेंट्स को कहें, क्योंकि आप सबके पेरेंट्स 18 ईयर्स से अबव होंगे, तो सबको कहें कि वो अपने नियर बाई वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर खुद को वैक्सीनेट करवाएं। फिर दिया है अडेप्ट एंड फॉलो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द डिजीज़। अब क्या करना है, जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हैं, जिसको CAB कहते हैं हम, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, तो ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है? फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश करना, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें, क्योंकि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है, तो हमें ये सारी चीज़ों को अपने लाइफ स्टाइल में इसको इनकॉर्पोरेट कर लेना है, यानी कि फॉलो करना है। ठीक है, आओ आज इसमें क्या दिया हुआ है, आज आपको एक ग्रिड दिया हुआ है। इस ग्रिड में आपको यहाँ देखो,
यहाँ आपके वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये देखो ये हैं आपके वर्ड्स, और इन वर्ड्स को ग्रिड में, ये जो ग्रिड आपके बना हुआ है, ये ग्रिड जो बना हुआ है, इस ग्रिड में आपको क्या करना है, इन वर्ड्स को ढूंढना है। तो आओ चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है। सबसे पहले है कोविड, जो कि तुम्हारे बना ही हुआ है, ये देखो, ये देखो कोविड लिखा ही हुआ है, ये आपके बता दिया गया, ये देखो ये कोविड बना हुआ है ना। उसके बाद आपके क्या देखना है, उसके चलो देखते हैं। सेकंड है पेंडेमिक, ठीक है, तो आप देखो ढूंढने की कोशिश करते हैं पेंडेमिक कहाँ है, कहाँ है। तो ये देखो यहाँ उल्टा, उल्टे से देखो ऐसे, देखो पी ए एन डी ई एम आई सी, तो ये वाला जो है ना, देखो ऐसे करके दिखा रही हूँ, यस ये देखो ये हो जाएगा आपका पेंडेमिक, ठीक। उसके बाद है कोविशील्ड, अब देखो कोविशील्ड कहाँ है, दिखा रही हूँ कोविशील्ड, कोविशील्ड कोविशील्ड है, एक मिनट बेटे, हाँ ये देखो ये है सी ओ वी आई एस एच आई ई एल डी होगा, इसको सीधे डायगोनली करोगी, स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, तो ये पूरा है कोविशील्ड, ठीक। उसके बाद थर्ड हमारा क्या है, फोर्थ है हमारा कोवैक्सीन, कोवैक्सीन हम देखेंगे, कोवैक्सीन आपके है यहाँ पर, देखो कोवैक्सीन, ये देखो बेटा को, ये है कोवैक्सीन, ठीक। उसके बाद देखो कौन सा देखना है हमें कोवैक्सीन, स्पूतनिक, स्पूतनिक देखो बेटा, स्पूतनिक है हमारा, ये देखो ध्यान से एस पी यू एन टी एन आई के, दिख रहा है ये वाला स्पूतनिक, उल्टा है ध्यान रखोगे, राइट से लेफ्ट की तरफ हम लिख रहे हैं स्पूतनिक, ठीक। उसके बाद हमारा क्या है वैक्सीन, अब वैक्सीन हमारा कहाँ है, कहाँ है वैक्सीन, तो रुको देखती हूँ, वैक्सीन है हमारा यस ये रहा वैक्सीन बेटे, ये है वी एर एवल सी आई एन ए वैक्सीन। फिर क्या है सैनिटाइज़र, सैनिटाइज़र कहाँ है, सैनिटाइज़र, सैनिटाइज़र ये देखो यहाँ, फिर ये राइट टू लेफ्ट है एस ए एन आई टी जेड ई आर, ठीक है, यहाँ से देखेंगे हम, इधर की तरफ से देखेंगे, ठीक सैनिटाइज़र हो गया। अब हेल्थ, तो हेल्थ हमारा कहाँ है, ये देखो ये, इसको भी हम लेफ्ट टू राइट देख रहे हैं एच ई ए एल टी एच, ठीक है हेल्थ। नेक्स्ट वन डिजीज़, डिजीज़ डिजीज़, रुको देखती हूँ ढूंढती हूँ डिजीज़, इसको इरेज करना पड़ेगा मुझे, देखो ये रहा डिजीज़, ये है डी आई एस ई ए एस सी डिजीज़, ठीक। और उसके बाद क्या है सैनिटाइज़र, सैनिटाइज़र, तो सैनिटाइज़र ढूंढती हूँ देखती हूँ कहाँ है सैनिटाइज़र, सैनिटाइज़र, सैनिटाइज़र ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ बेटे, सैनिटाइज़र मुझे फ़िलहाल नहीं दिख रहा है, रुको मैं देखती हूँ को, सैनिटाइज़र तो हमने, सॉरी सैनिटाइज़र तो हमने कर लिया था, सॉरी बच्चों इन्फेक्शियस देखना है हमें, टेंथ वन जो है वो इन्फेक्शियस है, तो ये देखो इन्फेक्शियस पूरा लेफ्ट वाला, ये एक्सट्रीम राइट में जो ये वाला कॉलम है ना, ये पूरा कॉलम होगा यहाँ से नीचे से आई, यहाँ नीचे है, अगर मैं प्रेस करूँगी तो ये बटन प्रेस हो जाएगा, इसलिए नहीं कर पा रही हूँ, यहाँ से पूरे नीचे से, नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे, ठीक है अपवर्ड डिरेक्शन में, ये पूरा जो है ना वो इन्फेक्शियस लिखा हुआ है, ठीक है आई एन एफ ए सी टी आई ओ यू एस पूरा, तो ये हो गया आपका, है ना, तो करोगे वर्कशीट, थैंक यू।